चौलाई का साग। हमने इधर चौलाई अच्छे से इसको धुल के साफ करके रख लिए हैं। ये साग खाने बहुत ज़्यादा हेल्दी और टेस्टी होता है। इधर हमने आलू धुल के अच्छे से काट करके रख लिया है। लहसुन है, हरी मिर्ची। अब चल रहे हैं, सबसे पहले हम चौलाई को अच्छे से छोटा छोटा कट कर लेंगे। लहसुन को भी हम पतला पतला कट करके रख लेंगे, फिर बनाएंगे। अभी हमने साग को अच्छे से कट कर लिया है, हम चल रहे हैं बनाने। अभी हमने इधर कढ़ाई रख दिया है, इसमें तेल डाल देंगे। हम साग बना रहे हैं इसलिए तेल थोड़ा ज़्यादा डालेंगे। इसको गर्म होने देंगे अच्छे से। अभी तेल गर्म हो गया है, हम इसमें लहसुन डाल देंगे और हरी मिर्ची। इसको अच्छे से पकने देंगे थोड़ा। अभी तड़का हो गया, इसमें हम दो खड़ी मिर्ची डाल देंगे। तोड़ के इसको डालने से टेस्ट बहुत अच्छा आता है साग के। ये देखिए कितना अच्छे से तड़का हो गया है। अब इसमें हम आलू डालेंगे, इसको मिक्स कर देंगे और इसे हमें फ्राई करना है जब तक कलर न चेंज हो। थोड़ा थोड़ा चला के इसको ढक देंगे। अभी हम इसको ढक देंगे। अभी आलू अच्छे से फ्राई हो गई है, अब हम इसमें साग डाल देंगे, हमने जो साग कट किया है इसको। अब इसको हम मिक्स करेंगे अच्छे से। अब हम इसको एक बार चेक कर लेंगे। देखिए अभी अच्छे से सब्जी सूख गई है। इसमें हम नमक डालेंगे स्वाद अनुसार। जब ये साग थोड़ा से सूख के अच्छे से थोड़ा कम हो जाए तो इसमें नमक डालना है, क्योंकि ये बहुत कम होता है बनने के बाद, नहीं तो नमक ज्यादा हो जाएगा। अब हम इसको फिर से ढक देंगे 2 से 3 मिनट के लिए। अभी देखिए हमने साग बना के तैयार कर दिया है, कितना अच्छा बन के तैयार हो गया है। ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी है, हमने बिना मसाले का बनाया है। अब इसको हम एक बाउल में निकालेंगे। अभी हमने चौलाई का साग बना के तैयार कर दिया है बिना मसाले का। ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। आप लोग को पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना।